लाइव स्टडी को प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। और आज कोई क्लास नहीं है दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे बिहार के बारे में दोस्त। बिहार में एक बहुत ही वैकेंसी आई हुई है दोस्त, उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बिहार पंचायत शिक्षा अभियान की जो भर्ती आई हुई है दोस्त, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे देखेंगे हम लोग, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देखने जा रहे हैं दोस्त। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पूरा मजा आएगा, पूरा देख पाइएगा आप लोग दोस्त। और मैं कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग भर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल। और मैं एक फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले दोस्त आपको यहाँ पे सर्च करना उपहार, UPHAR उपहार, डबल ए भी लिख सकते हैं, उपहार फाउंडेशन आपको सर्च करना है दोस्त। देखिए सर्च करने के बाद उपहार फाउंडेशन के बाद इंटर करना है दोस्त। जैसे आप इंटर करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा दोस्त, और यहाँ अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे आपको अप्लाई के पास क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा दोस्त, यहाँ पे आप लोग आएगा डाउनलोड नोटिफिकेशन, फिर डाउनलोड ब्राउचर, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट डेट जो हुआ है 17 जनवरी से हुआ है दोस्त, और अप्लाई जो इंड होगा डेट वो 28 फरवरी है। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग मेल कर सकते हैं दोस्त। तो पहले हम लोग डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, और देखिए मैंने बगल में नोटिफिकेशन खोल के रखा है, पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन को दोस्त क्या है। तो पंचायत शिक्षा अभियान योजना है दोस्त, ये भारत सरकार के द्वारा है ये दोस्त, लेकिन ये प्राइवेट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। जो भी एग्जामिनेशन है ये प्राइवेट फंड के द्वारा ऑर्गेनाइज, प्राइवेट फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का नहीं है दोस्त। ये आपको जॉब भी जो मिलेगी, आगे मैं और डिटेल्स आपको बताता हूँ। देखिये 17 तारीख से आवेदन होगा, 17 जनवरी 2022 से 28 तक हम लोग भर सकते हैं दोस्त इसको। और आगे अगर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे दोस्त। विभिन्न पद में इसमें कौन कौन से पद है दोस्त, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, केंद्र विकास पर अधिकारी पद पर आवेदन, यहाँ केंद्र बहुत सारे पद हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1.1 1.2 1.3 सर्वेक्षण पद है, 1.5 शिक्षक और शिक्षा का पद है दोस्त 1.5। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं उम्र दिनांक, यहाँ पे 1/1/2022 के अनुसार उनकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए दोस्त, 1/1/22 के अनुसार आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे उम्र भी आपको देखना है। और प्रथम चरण जो है उसका प्रक्रिया क्या होगा, एग्जाम का जो प्रक्रिया वो क्या है दोस्त। तो प्रथम चरण में जो है आपका लिखित रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्त। 10th और 12th वाले आवेदन कर सकते हैं, जो बच्चे 10th और 12th है वही आवेदन कर सकते हैं। समान ज्ञान और अन्य विषयों में संबंधित प्रकार के होंगे, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 100 नंबर का एग्जाम होगा दोस्त, 2 घंटे का होगा, जिसमें प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जो भर्ती लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने में सफल, 45% चाहिए दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45% मार्क्स चाहिए, मतलब 100 में 45% नंबर लाने के लिए आपको 45 नंबर लाने पड़ेंगे दोस्त। अब देखिए यहाँ 1:5 दिया हुआ है कि, और 1:5 में लिया जाएगा, मतलब एक सीट है तो उनमें 5 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा जो आपका प्रथम चरण का परीक्षा होगा दोस्त। यहाँ आरक्षण की बात किया है दोस्त, तो महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 2% पिछले वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित वर्ग के शेष 98% पदों के लिए विरुद्ध 25% पद अक्षित गैर से अक्षित कोटि, ये आप लोग आरक्षण वाला देख सकते हैं, 2% जो पिछले वर्ग महिलाएं हैं, उसके बाद 98 में फिर 25% दिया जा रहा है दोस्त, जो उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरक्षण जिन जिनको मिल रहा है, ये मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्त, आरक्षण में माउस में आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दोस्त, क्या हो गया इधर, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित, स्वतंत्रता सेनानी वाला भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके दादा वगैरह जो है, दादाजी अगर आपके स्वतंत्रता सेनानी हो तो उसके लिए भी यहाँ पे 1% यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्त, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कट ऑफ तिथि यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षित कोटि के लिए शैक्षिक योग्यता एवं तिथि, देखिए के लिए कट ऑफ तिथि जो 1 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया, मतलब आप जो डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन करेंगे वो 1 जनवरी 2022 के आधार पे दोस्त। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है दोस्त, अलग अलग पद के लिए जो है दोस्त अलग अलग पैसे लिए जा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सेंट्रल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 200 रुपये आपको पे करना है दोस्त, ऑनलाइन पेमेंट होगा, सेंट्रल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 200 रुपये है। केंद्र विकास पदाधिकारी
प्रभारी, सॉरी विकास प्रभारी के लिए सेंट्रल डेवलपमेंट इंचार्ज के लिए 350 रुपये देने हैं, उसके बाद सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 400 रुपये देने हैं, सर्वेक्षक के लिए 150 रुपये देने हैं, और यहाँ शिक्षक शिक्षिका टीचर के लिए 250 रुपये देने हैं। अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग फी है, 4-5 तरीके का फॉर्म है दोस्त, और 4-5 तरीके के अलग अलग पेमेंट करना है, कहीं 200 है, 350 है, 400, 150 है, 250 टीचर के लिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश, ये जो निर्देश दिया हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा अभी फॉर्म भरा के कैसे, इसको हम लोग स्किप करते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ जो दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके भी इसको पढ़ सकते हैं दोस्त, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये दिया हुआ है, यहां से भी आप लोग देख सकते हैं। कार्य का विवरण दिया हुआ है दोस्त, कौन से में क्या कार्य होता है ये आपको दिया गया है। केंद्र विकास कार्यपाल में केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षण का कार्य ये आपको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या है। उपहार शिक्षा केंद्र को विचित के साथ शिक्षा मशीन के गांव गांव तक पहुंचाना है, ये आप लोग तरह तरह का जो काम है ये आप लोग देख सकते हैं दोस्त, खुद ही पढ़ सकते हैं, ज्यादा इस पर डिटेल हम लोग नहीं बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेशर्स को लिया जा रहा है दोस्त, जो सेंट्रल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है वो इंटर पास होना चाहिए, मतलब 10+2 पास होना चाहिए, आप 12 पास होंगे तो आप सेंट्रल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी आयु जो है दोस्त, इसकी जो आयु है यहाँ पे देख लिए 18 से 49 साल तक के लोग भर सकते हैं। इसका वेतन 15,000 है, यहाँ पे आप लोग इसका वेतन जो है दोस्त देख सकते हैं 15,000 है, और एक बार मैं पैसे बता दूं यहाँ पे 200 रुपये लग रहे थे, ये वाला फॉर्म पहले वाला फॉर्म भरने के लिए आपको 200 रुपये लग रहे थे। इसके बाद सेंट्रल डेवलपमेंट इंचार्ज के लिए भी योग्यता इंटर पास होनी चाहिए, और कार्य अनुभव आपको 1 साल का होना चाहिए दोस्त, और आयु जो है इसकी 20 से 49 साल है, 25,000 सैलरी है। तो कार्य योग्यता कहाँ पे है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो केंद्र विकास प्रभारी, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ डिटेल्स में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक्सपीरियंस आएगा वो कहाँ से आएगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, और ये यहाँ पे योग्यता भी दिया हुआ है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं इसकी जो आयु यहाँ पे दे रखी है 20 से 49, इसकी सैलरी है 30,500। फिर सर्वेक्षक की जो है मैट्रिक पास होना चाहिए, ये फ्रेशर्स लिया जा रहा है, इसमें कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसका जो फॉर्म भरा जा रहा था दोस्त वो कितने का, 150 रुपये का भरा जा रहा था, उसका टीचर का फॉर्म 250 रुपये का था, इंटर पास था ये भी 10+2, और फ्रेशर्स 18 से 49 इसकी आयु है, 5,100 इसकी सैलरी है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कहाँ पे किसकी कितनी सीटें हैं, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तो दरभंगा में 180 सीटें देख रहे हैं यहाँ पे केंद्र विकास कार्यपाल का, इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं दोस्त, मुजफ्फरपुर में 90 सीटें हैं, टीचर वाला 299 सीट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्त। पटना की अगर बात करें तो 230 है, 268 टीचर का है, बहुत वैकेंसी है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं, कतई जहर वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आया हुआ है दोस्त। चलिए छपरा के बारे में भी एक बार सारण में देख लेते हैं, यहाँ पे 200 सीटें हैं दोस्त, 362 टीचर वाला है, 362 40 20, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर कुछ आप गलत फॉर्म भर सकते हैं, भर दिया है आपने, तो आपको टाइम दिया जाएगा दोस्त 28 फरवरी से लेके 1 तारीख तक का आपको टाइम, मतलब करीब करीब एक महीने का नहीं दोस्त, एक ही दिन का टाइम दिया जा रहा है 28, ठीक है, एक दिन का, 2 दिन का टाइम आपको लगभग दिया जा रहा है, गलत अगर कुछ भर दिया तो उसको सुधारने के लिए आपको, ये आपका नोटिफिकेशन खत्म होता है दोस्त। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग को यहाँ लॉग इन नहीं करना है, पहले क्लिक हियर फॉर अप्लाई यहाँ पे जाना है दोस्त और अप्लाई करना है, और मैं बता दूं देखिए अप्लाई कैसे होगा, तो आपने जैसे क्लिक किया क्लिक ही और फॉर अप्लाई, तो यहाँ पे आपके सामने क्या इंटरफेस ऐसे कुछ खुल के आएगा दोस्त, यहाँ पे आपको डालना है एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर, किस चीज के लिए आप भरना चाहते हैं, सेंट्रल डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए यहाँ पे आप भरना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं टीचर के लिए भरना चाहता हूँ दोस्त, तो अपना नाम भर देंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नेम है, फॉर एग्जाम्पल दीपक मैंने डाल दिया, कैप्स लॉक में ही डाल देते हैं दोस्त, दीपक कुमार यहां मैंने डाल दिया नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ भी हो, तो आप लोग यहां पे कैसे लिखेंगे दोस्त, ये मैं फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मंथ लिखेंगे, मान लीजिए आपका डेट 1 जनवरी को है तो 01 लिखेंगे, फिर 1 जनवरी 01, और फिर 1998 को है तो 1998 इधर लिख देंगे दोस्त, 96 कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि एज तो बहुत ले रहा है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे दोस्त, यहाँ पे कुछ भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे 982277 कुछ भी ऐसे डाल सकते हैं,
फिर ईमेल आईडी की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे ईमेल आईडी भी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आर 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 स्मॉल में लिखना है दोस्त आपको, यहाँ पे कुछ भी ऐसे ईमेल आईडी करके आप डाल सकते हैं। फिर पासवर्ड के ऊपर आप एक बात ध्यान देनी पड़ेगी दोस्त, आपको थोड़ा सा 3D पासवर्ड डालना पड़ेगा, नहीं तो पासवर्ड नहीं लेगा। तो 3D पासवर्ड क्या होता है दोस्त, मैं बताता हूँ। जैसे आपका नाम दीपक है तो पहला डी आप कैपिटल में आपने लिखा, उसके बाद आपको मान लीजिए कुछ और लिखना है, पक लिखना है दीपक, DEEPAK आपने ऐसे दीपक लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं किसी का भी, तो डी कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्मॉल। उसके बाद मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 01 है, फॉर एग्जांपल एक तो 0102 हमने ले लिया। इसके बाद कोई भी एक सिंबल लगा देंगे, एट द रेट लगा दीजिए या हैश लगा दीजिए, कम से कम 8 वर्ड का पासवर्ड होना चाहिए दोस्त। इस तरीके से आपको पासवर्ड डालना है तो ये पासवर्ड लेगा। आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे दोस्त। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे क्या आएगा मैं दिखाता हूं दोस्त। चलिए दोस्त अब उसके बाद जैसे आप लोग वहां पे रजिस्टर कर देंगे दोस्त, तो आपको यहीं पे एक नंबर मिलेगा दोस्त, वो नंबर और आपको पासवर्ड दिया जाएगा जो कि आपको यूजर नेम के नाम से जाना जाएगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा, उसको पेन से आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्त, मैंने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद उस यूजर नेम को इधर और पासवर्ड को यहाँ आप लोग फिल करेंगे दोस्त, जो भी यूजर नेम और पासवर्ड होगा उसको आप लोग यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे लॉगिन पे, और लॉगिन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का खुल जाएगा दोस्त। देखिए हमने टीचर के लिए अप्लाई किया था, दीपक कुमार के लिए 1196, एक ऐसे हम लोग रैंडम फॉर्म भर रहे हैं दोस्त। ये जेंडर डाल दीजिएगा इधर, मेल कैटेगरी आपको डालना है, जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है, तो जनरल हमने यहाँ प्लेस कर दिया। डिसेबिलिटी नो कर दीजिएगा दोस्त, अगर यस भी कीजिएगा तो भी आपको फॉर्म के लिए पैसा देना ही पड़ेगा। मेटेरियल स्टेटस यहाँ डालना है, सिंगल आधार नंबर आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा, कुछ भी मैं ऐसे ऐसे रैंडम आधार नंबर डाल देता हूँ दोस्त, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम और इधर डालना है, यहाँ पे कुछ भी हम लोग ऐसे रैंडम डाल देते हैं, इनका भी दीपक कर देते हैं, डबल दीपक लगा देते हैं, DEEPAK के दीपक राज कर देते हैं, दीपक राज। मदर्स नेम भी आप लोग कर दीजिएगा, दीपा, दीपा कर देते हैं मदर्स नेम। पंचायत यहाँ पे आपको डालना है, आप कौन से पंचायत में आते हैं, एड्रेस आपको डालना पड़ेगा विलेज का आपको दोस्त, यहाँ विलेज का पंचायत और वार्ड नंबर यहाँ आपको ऐसे फिल करना पड़ेगा दोस्त। इसके बाद आप लोग को अपना पोस्ट ऑफिस डालना पड़ेगा, आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है, जैसे रैंडम मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ब्लॉक भी आपको डालना पड़ेगा, आपका कौन सा ब्लॉक आता है, माजी ब्लॉक आता है, क्या आता है। पुलिस स्टेशन भी आपको डालना पड़ेगा, पटना है तो पटना इधर। फिर स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्त, अगर बिहार के हैं तो बिहार इधर डालिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको डालना पड़ेगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं भी इधर उधर कुछ भी ऐसे पटना ले लेते हैं दोस्त। यहाँ पे स्टेट डालना पड़ेगा दोस्त, स्टेट के बाद ये आपको डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, कुछ भी जैसे वेस्ट चंपारण हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमने ले लिया ऐसे वेस्ट चंपारण। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोग देख रहे हैं दोस्त पिन कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। थोड़ा सा मैंने इसको हाइड कर दिया है, पिन कोड डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और दोस्त ईमेल एड्रेस डालिएगा आप लोग। इसके बाद ये डालने के बाद आपके पास ऐसे कुछ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं दोस्त। यहाँ से हम लोग इसको हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर दे रहे हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद देखिए क्या क्या खुल के आया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं दोस्त। सेव एंड नेक्स्ट के बाद जो चीजें यहाँ पे ओपन होके आ रही है दोस्त, हम लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं हाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्त, इसलिए हाउ टू अप्लाई, नेम, डेट ऑफ बर्थ है, सेक्स, कैटेगरी, पर्सन, आधार नंबर, फादर्स मदर्स नेम, पंचायत, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस। दोस्त एक चीज मैं और बता दूं, मोबाइल नंबर आपने डाला था तो एक ओटीपी वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे गया होगा, जो कि आपको यूजर नेम होगा वो आपके मोबाइल पे भी मैसेज गया होगा। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, फिर से वही मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आ रहा है दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हाइड कर देते हैं, देखिए बाकी ये सब चीजें हैं ऐसे ही आपको दिख रही है दोस्त। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई किए हैं टीचर के लिए, नेम और ये सब जो है आप लोग को एक बार वैलिडेट मिला लेना है कि क्या आपने सही डाला है। इसके बाद आप लोग जैसे इसको आइएगा तो फिर से सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है दोस्त, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे दोस्त सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा इसको, यहां मैं कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद जैसे सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा दोस्त, ये आगे फर्दर चला जाएगा आगे, और आगे यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है, फिर से वही चीज आ रही है दोस्त, जो जो आपने भरा है एक बार आपको मिलाना पड़ेगा क्या सही है कि नहीं, जो आपने डिटेल्स दिया है वो क्या सही है कि नहीं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्त। तो फिर से वही आ रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो जो चीजें आपने भरी थी यहाँ पे दोस्त। इसके बाद वापस से हमको क्या करना है दोस्त,
सेवन नेक्स्ट कर देना है आगे, वापस से हमको क्या करना है दोस्त, सेवन नेक्स्ट कर देना है यहां पे। तो जैसे हम सेवन नेक्स्ट करेंगे यहां पे, पेमेंट के लिए ऑप्शन खुलेगा दोस्त। कुछ मैंडेटरी फील्ड है दोस्त जो छूटा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक बार लेट मी चेक कौन सा वो फील्ड है जो छूटा हुआ है। देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, ये सिंगल आधार नंबर सही है। मुझे लग रहा है शायद आधार नंबर हमने गलत फिल कर दिया है। कोई बात नहीं, एक तो रैंडम में फॉर्म भर फिल करके आपको दिखा रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है दोस्त। और यहाँ पे ये भी छूटा हुआ है दोस्त। देखिए डिस्ट्रिक्ट छूटा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्त, डिस्ट्रिक्ट जो है वो छूटा हुआ है। तो ये इसी वजह से ऐसा हो रहा है। कटिहार जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट ऐसे डाल दिया कटिहार मान लीजिए। इसके बाद दोस्त देखिए ये मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस है, सेवन नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं यहां से। इसके बाद जैसे ही आएगा सेवन नेक्स्ट कीजिएगा दोस्त, वो आधार नंबर सही नहीं है, हमने रैंडम ऐसे चूज किया, इसलिए ऐसा हो रहा है दोस्त। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद तुरंत आपको ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आ जाएगा दोस्त। और ऑनलाइन का पेमेंट के सिस्टम में तीन चीजें आएंगी दोस्त। इंटरनेट बैंकिंग से भी आप लोग पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से नहीं करना चाहते तो गूगल यूपीआई, यूपीआई फोन पे से भी पे कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन आएगा पेमेंट, भी मैंने आपको बता दिया दोस्त। तो फॉर्म आपको कुछ इसी तरीके से भरने होंगे दोस्त। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्त। और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं दोस्त। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कराया जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये बिहार सरकार का ही है दोस्त, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है दोस्त। सीटें भी बहुत अच्छी हैं, घर के घर में रहेगा, बिहार के बिहार में रहेगा, और आप लोग काम करते रहेगा। चले वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।